बच्चों, क्या हालचाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, आज हमें डेप्रिसिएशन का चैप्टर शुरू करना मेरे बच्चे। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत प्यारा। लिखिए मेरे साथ यहां पे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। मतलब आप समझ लो, इससे सिंपल, इससे प्यारा कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। बशर्ते कि इस चैप्टर में कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसपे हमें मास्टरी करना पड़ेगा। और अभी आप छोटे बच्चे हैं, आप जब कल को बड़े हो जाओगे, आपको CA, CMA, CS, MCOM, MBA पता नहीं क्या क्या करना है, तो उस केस में क्या होगा, आपको इस चैप्टर की बारीकियाँ हर जगह यूज होंगी मेरे बच्चे, हर जगह आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप एक काम करेंगे, इस चैप्टर के अंदर में जितनी सारी बातें बताऊँगा उसको ध्यान से समझना और अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना, ताकि आगे ये चैप्टर बहुत आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है ना। हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। जो थ्योरीज है, जो न्यूमेरिकल्स है, उन सभी को हम एक साथ लेकर चलेंगे, जैसे हम बाकी चैप्टर में करते हैं, ताकि थ्योरी भी पढ़ने में आपको बोरियत ना लगे और आपको इन्जॉय करते हुए पढ़ाई करना। आइए जरा शुरू करते हैं। इसी प्रोसेस में आप मेरे साथ लिखेंगे पहले नोट नंबर 1। सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, वही समझाऊंगा बच्चे पूरी क्लास में। पहले आप लिखो नोट नंबर 1, लिखना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लिखिए मेरे साथ, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ऑल डेप्रिशिएबल एसेट्स, ऑन ऑल डेप्रिशिएबल एसेट्स। जितने भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, दे आर चार्ज्ड ऑन ऑल डेप्रिशिएबल एसेट्स। कहते हैं कि ड्यूरिंग इट्स, ड्यूरिंग इट्स depreciable life, depreciable life, depreciable life on its, लिखिए यहाँ पे on its depreciable value, on its depreciable value। सर इतने सारे वर्ड depreciable के। हाँ मेरे बच्चे, आप पहले लिखो, मैं आज की क्लास में एक एक वर्ड पे आपका कमांड कराऊंगा, आप चिंता ना करना। लेकिन आप एक काम करो, पहले 3 वर्ड आप यहाँ पे अंडरलाइन करो। एक आपका डेप्रिशिएबल एसेट्स, एक आपका डेप्रिशिएबल लाइफ और थर्ड डेप्रिशिएबल वैल्यू। मेरे बच्चे ये 3 वर्ड ही आपको डेप्रिसिएशन के स्टार्टिंग से एंड तक लेके चलेंगे। और विश्वास दिलाता हूँ ये चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल बनेगा। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना होगा, इस 3 वर्ड को समझने के पहले, ये डेप्रिसिएशन वर्ड कहाँ से आया। आखिर बिजनेस के अंदर में, अकाउंटेंसी के अंदर में, अकाउंटिंग के अंदर में डेप्रिसिएशन वर्ड क्यों आया, मैं उसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। 5 मिनट का समय लूँगा, 5 मिनट का समय, जो बातें अब लिखूंगा वो आपको लिखना नहीं है, बस मेरी बातें सुनना। अगर ये समझ में आ गया तो फिर कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, आप लिखना बंद करेंगे मैं बताऊं। आपने कभी नाम सुना है क्या संतोष सर का, नाम सुना बच्चे आपने, अरे बोलो ना, हाँ या ना, सुना है कि नहीं सुना है। सर सुना है, सर सुना है, बताओ आगे क्या बोलना है। मेरे बच्चे मैं आपके संतोष सर, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेस करता हूँ और मेरा बिजनेस जो है ना वो किस नाम से चल रहा है, COC यानी कि कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लास के नाम से। मैं इसके नाम से बिजनेस कर रहा हूँ। किसका बिजनेस कर रहा हूँ, एजुकेशन का। मैं आपको बताऊँ कि एक वर्ष में, मान लो 2019, मान लो कोई भी ईयर ले सकते हो, मान लो 2019, मतलब जो मेरा करंट ईयर है मेरे बच्चे, इसमें जितना भी मैं कमाऊँगा, जो भी कुछ कमाऊँगा, उस इनकम पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। ये हर एक आदमी करता है। आपके मम्मी पापा भी जो कमाते हैं, वो अपने इनकम पे जितना वो कमाते हैं उस पे वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। आप पढ़ेंगे आगे जब बड़े हो जाएंगे, इनकम टैक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं अभी इनकम टैक्स में नहीं जा रहा, मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। ये डेप्रिसिएशन वर्ड क्यों आया, मैं उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तो होता क्या है कि हमारे देश में जो भी आदमी इनकम कमाता है, उस इनकम का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, तो मुझे भी पे करना। अब मैं आपको बताऊं कि 2019 में मैंने एक साल में क्या क्या किया। देखो जरा, मेरा मान लो बिजनेस का पहला साल है, जब मैंने COC स्टार्ट किया ना, मतलब काम करने के लिए, तो मेरे बच्चे मैंने कई सारे खर्चे किए। मैंने एक आपका यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर, जिस फर्नीचर पे बैठ के मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मान लो 2 लाख रुपए का मैंने फर्नीचर परचेज किया, 2 लाख रुपए का।
इसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक जगह लिया आपका किराए पे, और किराए पे लेके पढ़ाना शुरू किया मेरे बच्चे। एक साल पूरे 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 में क्या हुआ कि मैंने अपने बच्चों से फीस जो कलेक्ट किया, फीस मतलब जो मेरा इनकम हुआ, फीस आपका जो मैंने कलेक्ट किया एक साल में, वो आपका मान लो बच्चे से मैंने 10 लाख का फीस कलेक्ट किया, 10 लाख रुपये का आपका मेरे पास 10 लाख रुपये फीस आए बच्चों से। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो जी, आपके पास 10 लाख रुपए फीस आए हैं, आपको इस 10 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने मांगा कि भैया आप भी कमा रहे हो, आपको भी टैक्स पे करना होगा। लेकिन मैंने गवर्नमेंट को यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की कि देखो जी, ये जो 10 लाख रुपए फीस मेरे पास आए हैं ना, ये सारा मेरा इनकम नहीं है। इस इनकम को करने में मैंने बहुत सारे खर्चे भी किए 2019 के अंदर में। मैंने जिस बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उसका रेंट भी पे किया, मेरे पास कुछ इम्प्लॉय कर रहे हैं उनको सैलरी भी पे किया, मैंने एडवर्टीजमेंट भी कराया है, मैंने कमीशन भी पे किया, बहुत सारे मैंने खर्चे किए हैं मेरे बच्चे। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आपने इस फीस को अर्न करने में जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी एक्सपेंस आपने किए हैं उन सारे खर्चों को आप इसमें से माइनस कर लो। तो हमने कहा कि ठीक है। मैंने बोला कि देखो जी, मैंने रेंट पे किया है, रेंट मान लो मैंने पे किया है 2 लाख रुपीज का अमाउंट पूरे साल में। मेरे पास कुछ इम्प्लॉय काम कर रहे थे मेरे बच्चे, मैंने उनको सैलरी पे किया है मान लो 1 लाख रुपये का अमाउंट। मैंने एडवर्टीजमेंट भी कराया था और एडवर्टीजमेंट में मान लो मैंने 50,000 खर्च कर दिए। मैंने कुछ लोगों को कमीशन भी पे किया था, उस कमीशन पे मान लो मेरे खर्च और आपके 50,000 रुपये हो गए, 50,000 आपका। मैंने बहुत सारे खर्चे किए थे इस फीस को अर्न करने में। हाँ, मेरे पास टेलीफोन भी है, आपका टेलीफोन बिल भी आया था, उस टेलीफोन बिल पे भी मैंने क्या किया मान लो 1 लाख रुपए खर्च कर लिए, 1 लाख रुपए खर्च किए, बहुत सारे खर्चे कर लिए मेरे बच्चे। मैंने मान लो मैंने प्रिंटिंग भी कराया बुक्स का, आप समझ रहे हो ना ये मेरे खर्चे होते हैं। प्रिंटिंग आपका हुआ जिसमें कि आपका सपोज कि 1 लाख रुपीज और खर्च हुए, डमी फिगर है, इतने सारे खर्च हो गए। अब मैंने गवर्नमेंट को कहा कि मेरा मैंने जो फीस 10 लाख रुपए कलेक्ट किया है उतना मैं नहीं कमाया, इस 10 लाख को अर्न करने में मैंने 2 + 3 + 4 + 5 = 6 लाख रुपीज मैंने खर्च कर दिए हैं। मैंने 10 लाख रुपए कहाँ कमाए, बिजनेस से 10 लाख रुपए फीस आए थे लेकिन 6 लाख खर्च भी तो हो गए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है जी, आप एक काम करो, कोई बात नहीं, हम आपकी बात मान लेते हैं, और आपने जो ये 10 लाख रुपीज फीस कमाया है उनमें से आपने 6 लाख खर्च कर दिया बिजनेस के लिए, तो उसको माइनस कर लो, आपका जो प्रॉफिट बना, जो प्रॉफिट बना वो 4 लाख रुपीज बन गया, 4 लाख रुपए। और एक काम करो, इस 4 लाख पे आप हमें टैक्स पे कर दो, मान लो टैक्स पे करने का रेट 20% है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमें 80,000 टैक्स पे कर दो, पे कर दो, क्योंकि आप जितना कमाएं उस पर टैक्स पे करना होगा। मेरे बच्चे मैं इतनी इतनी जो बातें बताया, गवर्नमेंट ने मेरी बात मान ली, वो कहते कि ठीक है जी, 2019 में जो आपका रेवेन्यू हुआ इसमें 2019 में जितने भी खर्चे आपने किए उसको माइनस कर लो और प्रॉफिट निकाल के आप उस पर टैक्स पे कर दो, हम आपकी बात मानते हैं, हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी बहुत अच्छी है मेरे बच्चे, जो हम बोलते हैं वो मान लेती हैं, वो विश्वास हम पे करती है। तो ठीक है जी, 4 लाख पे टैक्स पे करना था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, यार 4 लाख पे टैक्स कैसे पे कर दूं। मैं फिर से दौड़ के इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास गया, बोला अथॉरिटी भैया, अथॉरिटी भैया, ये 4 लाख भी हमने नहीं कमाया। आप देखो ना, हमने एक फर्नीचर भी तो परचेज किया था, फर्नीचर, जिस फर्नीचर पे मेरे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये भी तो मैंने खर्च किया, ये भी मेरा माइनस करो। तो पता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बड़े प्यार से मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि देखो ये जो खर्चे आपने माइनस किए और हमने कुछ नहीं बोला, ये वो खर्चे हैं जो आपने इस साल किया और उसका बेनिफिट ले लिया। जो भी खर्चे आपने इस साल किया और इसका बेनिफिट ले लिया, हमने बड़े प्यार से इस 10 लाख में इस सारे खर्चे माइनस कर दिए, हमने आपको कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि संतोष सर, आपने 2 लाख रुपए जो फर्नीचर पे खर्च किया है, मानता हूं कि ये भी आपने एक्सपेंस किया है, ये भी आपका खर्च है, मैं मानता हूं कि ये 2 लाख भी यहां पे खर्च दिखाना चाहिए, लेकिन जरा बताओ संतोष सर, क्या ये 2 लाख रुपए जो आपने फर्नीचर पे खर्च किए हैं, क्या इसका बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर में लोगे? क्या ये 2 लाख रुपए का जो फर्नीचर आपने परचेज किया है, क्या आपके बच्चे सिर्फ करंट ईयर में इस पे बैठेंगे? हमने कहा ना 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 ना, मैं इस फर्नीचर पे अपने बच्चों को कम से कम 4 साल तक बैठाऊंगा, यानी कि मेरे मुताबिक इस फर्नीचर की जो लाइफ है ना मेरे बच्चे, वो 4 इयर्स है मेरे मुताबिक, मैंने एस्टिमेट लगाया
कि चार साल तो यार फर्नीचर चलेगा ही चलेगा। तो पता है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि संतोष सर, आपने ये खर्चे माइनस किए ठीक लगा, क्योंकि इस साल के इस साल बेनिफिट ले लिए, लेकिन जो फर्नीचर आपने 2 लाख का परचेज किया है, 2 लाख रुपए जो आपने इस पे खर्च किया है, इसका बेनिफिट आपको 4 वर्षों तक मिलेगा, 4 वर्षों तक। तो उन्होंने कहा कि काम करो, इस 2 लाख को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 पार्ट में, यानी कि 2 लाख का जो अमाउंट आपका है, अगर आपको लगता है कि इससे बेनिफिट 4 इयर्स तक मिलेगा तो 4 से डिवाइड कर दो, और हर एक वर्ष आपको क्या करना है, 50,000 ही खर्च के रूप में दिखाना है। उन्होंने बहुत लॉजिकल बात की मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बातें की। हमारा अकाउंट्स कहता है कि भैया एक साल में जितना आपने बेनिफिट लिया वही आपका एक्सपेंस है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि 2 लाख का जो फर्नीचर परचेज किया, 4 साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा, आप 4 से डिवाइड करो और जो 50,000 निकल के आया उसी 50,000 को आप इस साल एक्सपेंस ग्रुप में दिखाओ। मेरे बच्चे, हमने उनकी बात मान ली और 50,000 यहाँ पे एक्सपेंस ग्रुप में दिखा दिया। हमने पूछा इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि मैं इस 50,000 का यहाँ पे क्या नाम लिखूं? उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, इसको एक नया नाम दो, जिस नाम को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब आप कहना कि एक साल में जो फर्नीचर था उसका 50,000 का वैल्यू आपने यूज कर लिया। मेरे बच्चे, 50,000 रुपये की वैल्यू आपने यूज कर लिया, तो जो वैल्यू आपने यूज कर लिया 50,000, वही क्या करना, आप यहाँ पे एक्सपेंस के रूप में दिखाना 50,000 आपका। समझो मेरी बात। तो आपको बताना चाहता हूँ डेप्रिसिएशन वर्ड क्यों आया। मेरे बच्चे, हम जब एसेट्स पे कोई खर्च करते हैं, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, आपका इक्विपमेंट हो गया, मेरा कैमरा हो गया, जो कई वर्षों तक हमें बेनिफिट देता है, तो ऐसे खर्चे एक साल आपके प्रॉफिट लॉस में दिखाने के बजाय, ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का मतलब कि जहां पे इनकम एक्सपेंस को माइनस करके हम प्रॉफिट निकालते हैं। अब वो 4 लाख नहीं, कितना रह गया, 3.5 लाख रुपए। तो 3.5 लाख पे जो टैक्स बनेगा वो हमने यहाँ पे करना है, ना कि आपका ये अमाउंट पे करना है। तो डेप्रिसिएशन क्यों आया जी? क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं मेरे बच्चे, जिन खर्चों का बेनिफिट कई वर्षों तक मिलता है, उन खर्चों को एक ही साल के प्रॉफिट लॉस में दिखाना ठीक नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आप पार्ट पार्ट में उस खर्चों को प्रॉफिट लॉस में दिखाते हो, और उस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो मैंने फिलहाल आपको बताया डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब कहां से निकला, क्या इसका मतलब निकल के आता है, ठीक है ना? सर जरा बताओ, ये फर्नीचर आपका जो 2 लाख रुपए का था, ये 2 लाख रुपए में 50,000 रुपए डेप्रिशिएट हो गया, अब कितना रह गया, 150। जो फर्नीचर उसकी वैल्यू कितना रह गया, 1.5 लाख रुपए। फिर अगले साल क्या होगा जी? फिर अगले साल के प्रॉफिट लॉस में हम 50,000 रुपए खर्च दिखाएंगे, अब कितना बच जाएगा, 1 लाख रुपए। फिर उसके अगले साल 50,000 रुपए प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे, अब कितना बच जाएगा, 50,000 रुपए। और चौथे वर्ष में फिर से 50,000 रुपए दिखा देंगे मेरे बच्चे, ये वैल्यू खत्म हो जाएगा। यानी कि 4 वर्षों के बाद आप डेप्रिसिएशन अब चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 2 लाख रुपए हमने खर्च किए थे और 4 साल में डेप्रिशिएट करना था, कर दिया। आपको मेरी वर्ड्स की बारीकी को समझना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं मेरे बच्चे, ये हम आपके एसेट्स का जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, हम जितने समय उसको यूज करेंगे उतने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, इसलिए काम किया आपका, ठीक है ना? इसमें बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करो। पहले मैंने आपको बताया कि एक्चुअली डेप्रिसिएशन वर्ड कहां से क्रिएट आपका हुआ। अब मान लो मैं कभी बाहर निकला और रास्ते में आप मुझसे मिल गए और मैंने आपसे पूछ दिया कि जरा बताओ डेप्रिसिएशन वर्ड जो है वो क्यों आया जी, तो आप मुझे सिंपल शब्दों में बताना कि देखो, हमारे सर ने कहा है कि अगर मान लो कोई एसेट्स हमने परचेज किया है, जो एसेट्स कई वर्षों तक यूज किया जाएगा, कई साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा, तो हम ऐसे एसेट्स को एक साल प्रॉफिट लॉस में खर्च के रूप में दिखाने के बजाय, क्योंकि हमने खर्च तो किया है, हमने पेमेंट तो किया है, लेकिन एक साल प्रॉफिट लॉस में दिखाने के बजाय जितने साल तक में उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, हम उस खर्च को उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट जो करंट ईयर का होगा हम उसको आपका प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। उस खर्च को हम जो नाम देते हैं वो नाम हमारा डेप्रिसिएशन का होता है, ठीक है बच्चों? सर हाँ, सर हाँ। तो मेरे बच्चे, अब मैं इसको मिटाता हूँ। मेरा मकसद जो था, ये वर्ड जो आपको पता जब आया अकाउंट्स में तो कैसे क्रिएट हुआ, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। एक्चुअली इस चैप्टर की एक बदकिस्मती है, हम चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड तक लेके जाते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, करते जाते आगे करते पीछे भूलते जाते हैं, एंड कॉन्सेप्ट तो सत्यानाश।
इसलिए हमारे बच्चे यानी कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम बातों को समझेंगे मेरे बच्चे, बातों को समझेंगे, ठीक है ना सर? हाँ सर, हाँ सर। ये डेप्रिशिएबल इफेक्ट्स क्या होता है सर? डेप्रिशिएबल इफेक्ट्स लिखेंगे नोट नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे आप डेप्रिशिएबल इफेक्ट्स के। पहले ऐसे लिखा देता हूँ, पहले सुनो, आप समझ गए होंगे। एक तो ये एसेट्स है मेरे बच्चे, एक तो ये एसेट्स है और वो डेप्रिशिएबल है। मतलब एसेट्स जितने भी आपके होते हैं, जिन पे हम जिनकी वैल्यू फ्यूचर में रिड्यूस होंगी, जिनकी वैल्यू फ्यूचर में कम होंगी, हम उनको बोलते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो जितने भी आप फिक्स्ड एसेट्स के नाम जानते हो, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स के नाम जानते हो, वो मशीन, वो बिल्डिंग, वो फर्नीचर, वो आपका इक्विपमेंट, वो आपका कैमरा, वो आपका लैपटॉप, वो आपका कंप्यूटर, मैं कितने नाम बताऊं, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स के नाम जानते हो मेरे बच्चे, वो सारे आपके डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं। हाँ, लैंड को छोड़कर, लैंड को छोड़ के मेरे बच्चे लिखो यहाँ पे ऑल फिक्स्ड एसेट्स, जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएबल एसेट्स। All fixed assets are depreciable assets. सारे assets आपके depreciable होते हैं, लेकिन हमने कहा except आपका क्या जी, land। मेरे बच्चे land जो है ना, land वो आपका धरती, मतलब जो land जो हमारी property होती है, जो assets होता है, ये कभी depreciate नहीं होता। हमारा accounts मानता है कि generally हमेशा land की value जो होती है ना, वो appreciate होती है। तो लैंड को कभी, लैंड पे हम कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, लैंड को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स हैं आपका होता है। और एक बात बताऊं, अगर लैंड की भी बारीकी में जाऊं ना, तो मैं यहां पे लैंड का मतलब लीज होल्ड लैंड कहना चाहता हूं। मुझे पता है आप अभी इन सब शब्दों से आप बिल्कुल वाकिफ नहीं हो, आप नहीं जानते इसका मतलब क्या होता है, लेकिन चिंता ना करो, एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा। ऐसे तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जी कौन सा एसेट्स जो होता है वो डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं होता, तो कह देना लैंड। लैंड को छोड़ के जितने भी फिक्सेट्स होते हैं, सारे डेप्रिशिएबल होते हैं मेरे बच्चे। मतलब वो सारे एसेट्स जिनका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा समय में मिलेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हम उसको यूज करेंगे, वो सारे फिक्स एसेट्स हमारे डेप्रिशिएबल होते हैं, लेकिन लैंड को छोड़ के, क्योंकि लैंड की वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, ये हमेशा अप्रिशिएट होती है। और लैंड में भी कौन सा लैंड, लीज होल्ड की बात करता हूँ, लैंड भी दो तरीके का होता है, लिखना नहीं, दिमाग में रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। लैंड भी दो तरीके का होता है, एक आपका फ्री होल्ड और एक होता है लीज होल्ड। मेरे बच्चे फ्री होल्ड लैंड का मतलब होता है जिसके मालिक हमेशा और हमेशा के लिए आप रहोगे, हमेशा के लिए, उसको हम बोलते हैं फ्री होल्ड लैंड। लेकिन लीज होल्ड लैंड का मतलब होता है कि आप उस लैंड के मालिक बनते तो हो, लेकिन कुछ समय के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए। तो जितने समय के लिए मालिक बनोगे वो ठीक है, उतने समय के बाद फिर आप उसके मालिक नहीं रहते मेरे बच्चे। इसकी और भी बातें, लेकिन वो बड़े होंगे तो मैं सिखाऊंगा आपको। आज तो इतना समझना कि लीज होल्ड लैंड जो होता है उसका मालिक आप कुछ समय के लिए होते हो, परमानेंटली नहीं। तो जो भी चीज़ कुछ समय के लिए आपके पास रहेगा, 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल, चाहे वो 100 साल, वो लीज होल्ड कहा जाएगा। लेकिन जो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, आपके बाद आपका नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद उसका नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ये चलते चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं फ्री होल्ड। तो फ्री होल्ड लैंड ही डेप्रिशिएबल इफेक्ट्स नहीं होता, लीज होल्ड जो कि एक समय के बाद आपके पास से ख़त्म हो जाएगा, हम उसको डेप्रिशिएबल इफेक्ट्स कहते हैं। तो लैंड यानी कि हम किसकी बात करना चाहते हैं जी आपका, सॉरी माफ कीजिए, क्या लिख दिया मैंने, लैंड यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं आपका यहां पे, फ्री होल्ड, गलत लिखा था माफ कीजिए। जो फ्री होल्ड लैंड होता है मेरे बच्चे, वो डेप्रिशिएबल नहीं है। लीज होल्ड तो डेप्रिशिएट होगा, एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है आपका, ये मैंने आपको बातें बताई। खैर चलिए, ये हमने आपको बताया कि क्या मतलब होता है डेप्रिशिएबल इफेक्ट्स का। नाउ डेप्रिशिएबल लाइफ और डेप्रिशिएबल वैल्यू, मैं इस बात को समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल बनाऊंगा। लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन, लिखो मेरे साथ कॉस्ट ऑफ मशीन। हमारा जो मशीन है मेरे बच्चे, उसकी कॉस्ट कहता है कि मान लो 20 लाख का अमाउंट है, 20 लाख रुपए, 20 लाख का मशीन आपका है, मतलब जो मशीन आपने परचेज किया वो कितने का है जी, 20 लाख रुपीज़ का। मेरे बच्चे ये मशीन जो 20 लाख रुपीज़ का है, इसका कहता है एस्टीमेटेड लाइफ आपका, एस्टीमेटेड कह दो यूजफुल लाइफ
या और अच्छा वर्ड मैं दूं आपका तो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ मतलब ये जो मशीन है, मान लो इसका लाइफ जो हमारे पास है वो आपका सपोज कि 10 ईयर्स, यानी कि हमारे मुताबिक ये मशीन क्या होगा, 10 वर्षों तक हम उसको यूज कर सकते हैं। कॉस्ट कितना बताया हमने यहाँ पे जी आपका 20 लाख रुपीज। एस्टिमेटेड जो लाइफ है मशीन का कितना बताया, 10 साल आपका। अब सोचो ना, ये मशीन अगर मैं 10 साल यूज करता हूँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, पर बच्चे अगर 10 साल के बाद मान लो लाइफ खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गया मशीन का, तो उस मशीन को क्या करोगे आप, बोलो बोलो। 10 साल के बाद जब मशीन खत्म हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, तो मशीन को क्या करोगे? सर हम बेच देंगे किसी कबाड़ी वाले को, बेच देंगे। तो मेरे बच्चे जब कबाड़ी वाले को आप उसको बेच दोगे तो कुछ तो पैसा आपको मिलेगा 10 वर्षों के बाद। सर हाँ, सर हाँ। मेरे बच्चे हम उस अमाउंट को कहते हैं एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप यानी कि 10 वर्षों के बाद जब इस मशीन को हम बेच देंगे तो हमें मान लो उस मशीन को बेच के 2 लाख रुपीज मिल जाएंगे, 2 लाख, या चलो 1 लाख रुपए ले लो, कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। दिस 2 आर एस्टिमेटेड। कोई भी आदमी एग्जैक्ट लाइफ ऑफ एसेट्स नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता कि मैं कितने वर्ष जीऊंगा, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि मेरे पास जो एसेट्स है वो कितने वर्ष तक मेरे साथ चलेगा, कैसे बता सकता हूं मेरे बच्चे? ये एस्टिमेटेड लाइफ होता है कि मैं, मुझे लगता है, दिस इज अनुमान, मुझे लगता है कि इतने वर्ष तक चलेगा। और ये जो स्क्रैप वैल्यू है, मैं आज एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि 10 वर्ष के बाद जब उसको बेचने जाऊंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो ये मेरे बच्चे एस्टिमेटेड होता है, हमेशा बोले चाहे ना बोले आप इसको क्या मानेंगे, एस्टिमेटेड, ठीक है ना। तो ये एस्टिमेटेड आपका है, बोलता है कि आप यहां पर कैलकुलेट करो, कहता है कि आप यहाँ पे कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करूँ जी? तो नंबर वन वो कहता है, जरा बताओ कि आपके एसेट्स का डेप्रिशिएबल, आपके एसेट्स का डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना है। वो कहता है कि आप जरा बताओ आपके एसेट्स का, वो देखो डेप्रिशिएबल लाइफ, वो कहता है जरा बताओ कि आपके, ये लिख रहे हो ना, ये लिखना मेरे बच्चे, अभी लिखना शुरू करना था, मेरे साथ साथ चलेंगे, आगे पीछे नहीं, मैं आपके लिए रुकने वाला नहीं, याद रखना इस बात को, आपको साथ साथ चलना है। अगर अभी तक आप मेरी बातों को सिर्फ सुन रहे थे, वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक लिखें, फिर क्लास को आगे बढ़ाएं। आइए जरा, डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल जो आपका लाइफ एसेट्स का, वो पूछता है बताओ कि क्या निकल के आएगा। और तीसरा, चलो जब बात उठी है तो बोलता है कि बताओ जरा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करोगे पर ईयर, पर ईयर वो कितना कितना चार्ज करोगे। ये तीन यहाँ पे मेरे बच्चे मुझे आंसर देने हैं कि आपका डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना है, डेप्रिशिएबल लाइफ क्या है, और जो डेप्रिसिएशन पर ईयर चार्ज किया जाएगा कितना कितना चार्ज किया जाएगा। तो सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। मैं आपको सोल्यूशन में पहले आपको यहाँ दिखाता हूँ डेप्रिशिएबल वैल्यू, मेरे बच्चे डेप्रिशिएबल वैल्यू। डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब होता है, ये देखो हमारा मशीन कितने का था, 20 लाख का, 20 लाख रुपए का। तो मेरे बच्चे जो हमारे मशीन की कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन कितने का था, 20 लाख का, 20 लाख रुपए। आप मुझे बताओ इस 20 लाख में 10 ईयर्स के बाद जब मैं इसको बेच दूंगा तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, 1 लाख, 1 लाख मेरे बच्चे। इसका मतलब है कि इन 10 ईयर्स में मशीन का 20 लाख की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी, मशीन के 20 लाख की वैल्यू खत्म नहीं होगी। मेरे बच्चे इस 20 लाख में हमें जो स्क्रैप वैल्यू है एसेट्स का, यानी कि जितना हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमें सेल करके मिल ही जाएगा, तो उस 20 में 1 लाख को आप माइनस कर दो। और कोई पूछे कि बताओ आपके एसेट्स का डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या है, यानी कि वो वैल्यू जो इन 10 ईयर्स में डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो वो 19 लाख कहा जाएगा मेरे बच्चे, 19 लाख। ये 19 लाख रुपए की वैल्यू है, 19 लाख रुपीज जो आपका डेप्रिशिएट होगा इन 10 वर्षों के अंदर में, है ना। जो वैल्यू डेप्रिशिएट होगी वो 19 है, क्योंकि 20 में 1 तो हमें मिल ही जाएगा। अच्छा, सेकेंड वर्ड जरा सुनना क्या था, वो कह रहा है डेप्रिशिएबल लाइफ। ये कहता है डेप्रिशिएबल लाइफ, ये डेप्रिशिएबल लाइफ क्या होता है मेरे बच्चे? डेप्रिशिएबल लाइफ का मतलब होता है ये 19 लाख की वैल्यू जो डेप्रिशिएट होगी वो कितने वर्षों में,
जरा बताओ ये वैल्यू कितने साल में है? तो सर 10 ईयर्स में, यानी कि जो आपका एस्टिमेटेड लाइफ है, एस्टिमेटेड आपका लाइफ ऑफ एसेट, ऑफ एसेट ही आपका कहा जाता है यहाँ पे क्या, डेप्रिशिएबल लाइफ, और कितना हो गया आपका 10 ईयर्स, 10 वर्ष। सर इकोनॉमिक मतलब ये वैल्यू, इकोनॉमिक का वर्ड और भी आगे निकल के आएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल एस्टिमेटेड लाइफ कितना है जी, उसी को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएबल लाइफ। और मेरे बच्चे अगर आपको यहाँ पे निकालना है कि डेप्रिसिएशन, यानी कि आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पर ईयर, यानी कि जो आप प्रॉफिट लॉस में खर्चे के रूप में दिखाएंगे वो कितना होगा, तो हमने कहा कि 19 लाख रुपये, 19 लाख की वैल्यू 10 वर्ष में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो मेरे बच्चे एक वर्ष में कितना निकल के आया, 1,90,000, 1,90,000, यही डेप्रिसिएशन हो गया। और ये बात जेन्युइन भी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि यार 20 लाख रुपए चलो आपने खर्च किया है मानता हूं, लेकिन जब इसको बेचोगे तो 1 लाख तो मिल ही जाएगा, तो फिर जो खर्चे आप अपने प्रॉफिट लॉस में दिखा सकते हो सिर्फ 19 लाख रुपए होगा। जितना जेन्युइनली आपका खर्च होगा तो उसी को क्या करो, आप इसके लाइफ में डिवाइड करो और डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाल दो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बातें कर रहा हूँ मेरे बच्चे? मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि आपका दिमाग बिल्कुल स्ट्रांग रहे हर एक पॉइंट पे, और दूसरा कुछ भी नहीं, इट्स वेरी सिंपल। हमने क्या क्या इस तरीके से आपका बताया, अब देखो शायद शब्द का मीनिंग क्लियर है। डेप्रिसिएशन भी मैं जानता हूँ, डेप्रिशिएबल एसेट्स, सारे एसेट्स डेप्रिशिएबल है, बस लैंड को छोड़ के, कौन सा फ्री होल्ड जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास होता है, लीज होल्ड लैंड जो होगा वो डेप्रिशिएबल है लेकिन फ्री होल्ड नहीं है। डेप्रिशिएबल लाइफ का मतलब कि एस्टिमेटेड लाइफ आपका एसेट्स का, और डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इस 20 लाख में जो वैल्यू आपका डेप्रिशिएट होगी उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। आई बात समझ में मेरे बच्चे? सर हाँ सर हाँ, आगे बढ़ाओ सर आगे बढ़ाओ मेरे बच्चे। अब मैं आगे चलता हूँ, हमारे कितने हो गए आपका यहाँ पे, एक और दो आपका यहाँ पे हुआ, ये तो एग्जाम्पल था, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आपने इसकी कॉपी कर ली होगी। मैं और आगे आपको लेके चलता हूँ, और आगे लेके चलता हूँ, एक काम कीजिए यहाँ पे हम लोग। हाँ एक चीज़ और बता दूँ कि मान लो एसेट्स की कॉस्ट आपका 20 लाख है, और मेरे बच्चे इसका जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है मतलब जो बेच कर मेरे हाथ में आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा, मान लो कि जब खत्म तो जीरो हो गया जी, तो कोई बात नहीं, स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, समझ लो। अगर 10 वर्षों के बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आपको नहीं पता तो जीरो है, यानी कि जितना हमने परचेज किया सारा डेप्रिशिएबल वैल्यू हो जाएगा। मैं आऊँगा और इसकी डिटेल में, पहले काम करते हैं, लिखो तीसरा पॉइंट यहाँ पे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। पर बच्चे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के हमारे पास मेथड्स कौन कौन से हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो आप लिखो यहाँ पे मेथड्स के अंदर में, नंबर ए आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। सर ये क्या है अभी बताऊंगा, लिखो आप स्ट्रेट लाइन मेथड। पर बच्चे इसको हम लोग शॉर्ट में SLM भी कहते हैं, S फॉर स्ट्रेट, L फॉर लाइन, M फॉर मेथड आपका SLM। इसको एक और भी नाम होता है, बट छोड़ो आप एक काम करना, इसके आगे जगह छोड़ देना, बाद में बोलूँगा। अब बी लिखो सेकेंड मेथड आपका यहाँ पे, सेकेंड मेथड जिसको हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यानी कि अगर मैं इसको देखूँ शॉर्ट में तो W आपका आ गया रिटन, D फॉर डाउन, V फॉर वैल्यू मेथड आपका WDV मेथड, इसको हम कहते हैं। तो एक्चुअली डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड हमारे पास हैं, एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड आपका, ठीक है ना। तो ये दो मेथड हमारे पास है, इनको और भी कई सारे नाम से जाना जाता है, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको कुछ समझाऊं इसके बारे में। अब सुनो ना, इस पे भी एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक एग्जांपल पहले क्या था अभी, अब आइए एग्जांपल नंबर टू, सुनो ध्यान से क्या बता रहा है। कहता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन आपका जो मशीन है वो मान लो कहता है कि आपका 1 लाख रुपीज का है मेरे बच्चे, 1 लाख रुपए का। अब मुझे इस क्वेश्चन में उसका लाइफ कितना है, उसका स्क्रैप वैल्यू कितना, वो नहीं बता रहा है, बस क्वेश्चन ने क्या क्या कह दिया कि भैया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि जिस रेट से आपको इसको डेप्रिशिएट करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो कहता है मान लो आपका 10% यहाँ पे दिया हुआ है, 10%,
मेरे बच्चे 10% के रेट से आपको डेप्रिशिएट करना है। तो बोलता है कि कैलकुलेट, लिखिए मेरे साथ, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, वो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर पहले वर्ष का, सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष का, एंड थर्ड ईयर, एंड थर्ड ईयर यानी कि तीसरे वर्ष का। कहता है कि जरा बताओ पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जाएगा बाय नंबर ए, लिखेंगे आप यहाँ पे SLM मेथड, SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन आपका, और बी लिखो आप यहाँ पे, या पूरा नाम लिख लो, पहले आप लिख लो यहाँ पे स्ट्रेट, अभी आपको बैठाना दिमाग में, तो आप पूरा लिखिए स्ट्रेट लाइन मेथड आपका, इससे कितना निकल के आएगा। और मेरे बच्चे रिटन डाउन वैल्यू, यानी कि ये आपका रहा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, आपका वैल्यू मेथड, इस दो से कहता है कि जरा बताओ डेप्रिसिएशन क्या निकल के आएगा। आपको पता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के और भी कई सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड है मेरे बच्चे, लेकिन वो स्टडी आपके छोटे लेवल में नहीं होता, जब बड़े हो जाओगे कभी CA CMA CS MBA BCOM करने का टाइम आया तो वहाँ पे आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो उस केस में आपके पास दो मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, स्ट्रेट लाइन यानी कि SLM शॉर्ट में, और रिटन डाउन वैल्यू यानी कि WDV शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं आपका, या WDV मेथड कह दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने एक एग्जाम्पल और बनाया मेरे बच्चे, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सॉल्यूशन, और पहले लिखिए मेरे साथ यहां पे नंबर ए के अंदर में, नंबर ए यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ, नंबर ए यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बाय कौन से मेथड जी, पहले मैं SLM मेथड से बात करता हूं, SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपका, है ना। SLM मेथड से डेप्रिसिएशन क्या निकल के आएगा वो मैं बताता हूँ मेरे बच्चे, देखो ये कैसे निकाला जाता है, इट्स वेरी सिंपल। आप मुझे बताइए कि आपका कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, बताओ जरा मशीन की आपके यहाँ पे कॉस्ट कितनी है। सर कहता है 1,00,000, लिखो ना यहाँ पे 1,00,000 रुपये, 1,00,000, साथ लिखना आगे पीछे नहीं। मेरे बच्चे ये बोल रहा है कि जरा बताओ फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये कॉस्ट है मतलब जितने का हमें मशीन पड़ा है। आप एक काम करो इसमें माइनस करो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन, आप माइनस करो डेप्रिसिएशन, और पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन से ईयर का, फर्स्ट ईयर का, पहले वर्ष का डेप्रिसिएशन आपका, पहले वर्ष का। मेरे बच्चे 1,00,000 रुपये का मशीन है, आप जरा बताओ रेट कितना चल रहा है जी, 10% आपका, और मेथड क्या है SLM, तो कितना निकल के आएगा, देखो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट बताना कितना है सर, 1,00,000, 1,00,000 रुपये। तो आप मुझे बताओ 1,00,000 का 10% कितना निकल के आ गया, 10,000, तो जरा बताओ ये 10,000 आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया। याद है हमने जो पहला एग्जांपल दिखाया था उसमें हमने मशीन का कॉस्ट बताया था, उसकी लाइफ बताई थी, उसका आपका वो क्या बोलते हैं आपका, हमने स्क्रैप वैल्यू बताया था, तब तो हम उसके हिसाब से करेंगे जैसे पहले किया था, लेकिन मेरे बच्चे जब रेट दिया रहेगा तो फिर टेंशन नहीं, हम मेथड के हिसाब से कर देंगे, यानी कि जितने भी कॉस्ट है उसका 10% लगा दिया। आप बताओ 1,00,000 में 10,000 की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, तो बताओ मशीन आप कितने का बच गया यहाँ पे, 90,000 का। 1,00,000 में 10,000 की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई तो मशीन कितने का बच गया, 90,000 का। मेरे बच्चे इस 90,000 को हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, ध्यान से वर्ड पे चलना, ऑफ मशीन, हमारी इस मशीन का बुक वैल्यू, मतलब बुक में, हमारे बुक में जो वैल्यू बच गया, जो वैल्यू बच गया वो कितना आपका हो गया, 90,000। 1,00,000 रुपये में 10,000 रुपये डेप्रिशिएट हो गया, वैल्यू कितना बच गया आपका, 90,000, और बचे हुए वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू, यानी कि बुक में जो वैल्यू बच गई। मेरे बच्चे अगर आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन, और इस पर कौन से ईयर का जी, सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो मेथड का नाम क्या है, यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन मेथड आपका, स्ट्रेट, मेरे बच्चे इसका दूसरा नाम होता है ओरिजिनल, इसका दूसरा नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सर हम भी लिखे, हाँ लिखो ना यहाँ पे, लिखो ना इसका सेकेंड नाम क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब मेरे बच्चे जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे,
जब भी क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा और आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो ये डेप्रिसिएशन हमेशा हमेशा इसके कॉस्ट पे, जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, कितना कॉस्ट था 1 लाख, इसी पे चार्ज किया जाएगा। यानी कि अगर मैं सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालता हूं तो 1 लाख रुपीज का जो आपका मशीन है, इसका आपका 10% फिर से, यानी कितना आपका 10,000 का डेप्रिसिएशन दोबारा चार्ज किया जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो बिल्कुल सेम चलेगा, स्ट्रेट, पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में 10, मतलब सेम चलते चला जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। देखते हो स्ट्रेट लाइन ऐसे जाता है, मतलब जहां भी देखो सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको दिखाएगा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट। अब जरा बताओ 90,000 में सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वैल्यू कितना बच गया? सर 80,000। मेरे बच्चे इस 80,000 को कहा जाएगा फिर से बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू आपका जो निकल गया, याद रखना ये बुक वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में था और ये अब सेकेंड ईयर के एंड में बुक वैल्यू आपका निकल गया ऑफ मशीन, मतलब हमारा एसेट्स जो है वो आपका कितने का? 80,000 का। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे फिर से, क्योंकि थर्ड का भी पूछ रहा है, मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा अब कौन से ईयर का? थर्ड ईयर का, तीसरे वर्ष का। मेरे बच्चे थर्ड ईयर का, तो जरा बताओ तीसरे साल में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, स्ट्रेट लाइन मत समझो, यहां से समझो ना ओरिजिनल कॉस्ट। यानी कि जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमेशा मैं उनके कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। ये ब्रह्मा जी भी अगर आके बोलते आपको कि ना ना ऐसा मत करो, आप उनकी बात मत मानना। कहना कि मेरे सर ने कहा है और मेरे सर कभी गलत नहीं बताते, आप उनको कहना तीसरे वर्ष में भी अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे मेरे बच्चे तो 1 लाख रुपीज पे ही चार्ज किया जाएगा 10%, यानी कि 10,000 का अमाउंट, 10,000 का अमाउंट। जरा बताओ अब आपका मशीन कितने का बच गया? 70,000। इस 70,000 को फिर से मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा बुक वैल्यू ऑफ मशीन, हमारे मशीन का बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू हमारे बुक में कितनी बची हुई है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? सर हाँ, सर हाँ, आप चिल्लाओ मत सर, बात करो आगे। तो मेरे बच्चे कुछ नहीं कहना, एसएलएम में जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, इनकी कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। और चलो अगर ऐसे जो 3 साल का ही पूछा था, अगर मान लो डेप्रिसिएशन आपसे कह दे कि जरा बता दो कि चौथे वर्ष में डेप्रिसिएशन आपका फोर्थ ईयर में कितना चार्ज किया गया होगा? सर नहीं पूछ रहा, मान लो ना पूछ दिया, मान लो पूछ दिया तो क्या हर्ज कर दिया मेरे बच्चे। मान लो पूछ दिया कि बताओ चौथे साल का डेप्रिसिएशन, तो बताओ फोर्थ ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा अगर वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो कितने पे चार्ज किया जाएगा? सर 1 लाख पे। क्यों? क्योंकि आपके सर ने नहीं कहा है, ये कॉन्सेप्ट ने कहा है मेरे बच्चे कि एसएलएम में यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट में जब भी चार्ज किया जाएगा तो आपका उसकी कॉस्ट पे ही चार्ज किया जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चे? कोई रीजन नहीं है, ये तो उन्होंने तरीका बता दिया कि ऐसा एक डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। और हाँ जरा बताओ वैल्यू कितना बच गया? 60। तो ये हमारा बुक वैल्यू निकल के आ गया, ये आ गया बुक वैल्यू आपका मशीन का ऑफ मशीन कब जी? 4 वर्षों के बाद आपका। ऐसे सोन 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल, 8वें साल, 9th, 10th, आप हर एक साल का डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। एक बात याद रखना, अभी आप आगे के किसी भी बात को दिमाग में मत लेकर आओ कि ऐसा होगा तो क्या करेंगे, वैसा होगा तो क्या करेंगे। मैं सब जानता हूं मेरे बच्चे आपके दिमाग में क्या क्या उठ सकता है, वो सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा, बस समय मुझे देना। आप अगर आगे की बातें अभी सोचना शुरू करोगे तो काम खराब हो जाएगा, बस मेरे साथ चलो ना। मैं एक समुद्र में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका नाम डेप्रिसिएशन है। पहले मैं आपको किनारे में तैरना सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको बीच में लेकर जाऊँगा। अगर पहले ही मैं बीच में लेकर चला गया तो फिर तो आप डूब जाओगे, फिर तो खत्म हो जाएगा, फिर किसको पढ़ाऊंगा जरा बताओ मैं। इसलिए आप मेरे साथ चले, धीरे धीरे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये हमारा एसएलएम मेथड था, यानी कि एसएलएम का मतलब क्या जी? स्ट्रेट लाइन, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट। देखो ना स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ, यहां मैं दिखाऊं। जरा बताओ, ना ना ऐसे नहीं, जरा बताओ पहले साल का डेप्रिसिएशन 10,000, सेकेंड ईयर का 10,000, थर्ड ईयर का 10,000, फोर्थ ईयर का 10,000। ये देखो स्ट्रेट जा रहा है हर एक साल का सेम आपका, इसलिए कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, या कह दो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आपका। हम इसको एक और भी नाम से जानते हैं, एक और भी नाम से, इसका तीसरा नाम होता है फिक्स्ड
इंस्टॉलमेंट, लिखो मेरे साथ साथ, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड आपका, मैंने कहा था आप जगह छोड़ना, मैं इसके कई नाम आपको बताऊंगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेरे बच्चे, यानी कि इंस्टॉलमेंट जो होगा डेप्रिसिएशन का वो फिक्स्ड होगा, पहले साल में भी 10,000, दूसरे में भी 10,000, तीसरे में भी 10,000, जितने वर्षों तक आप लेकर जाओगे सब में 10,000 का डेप्रिसिएशन निकल के आया। लेकिन सर मत बोलो अभी, मैंने मना किया था, लेकिन छोड़ो ना मेरे ऊपर, मैं आगे समझाऊंगा ना, पहले यहां तो समझो मैं क्या बता रहा हूं। ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड था। लो तीन नाम मैंने आपको दे दिए, स्ट्रेट लाइन, इसी को ओरिजिनल कॉस्ट और इसी को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में जो बोलेगा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आपको यहां पर, ठीक है ना। ये पहला मेथड था आपका, मैं इसको मिटाऊंगा, मेरे जगह की कमी है मेरे बच्चे। अब मैं आपको सेकेंड मेथड जो आपका है उससे दिखाता हूं कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। आओ जरा मैं आपको दिखाऊं, आज तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग आपको कर देना है कि बस दुनिया में एक ही इंसान दिखेगा, वो आप और कोई नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं किसी और बच्चे को देखता हूं, मैं चाहता हूं कि सारे मेरे ही बच्चे दिखाई दे दुनिया में, चाहे वो लो लेवल हो, हाई लेवल हो, अपर लेवल हो, और मतलब जहां भी वो रहें सिर्फ मेरे बच्चे दिखाई दे, मैं यही चाहता हूं। और आओ जरा मैं अब आपको बी यानी कि दिखा रहा हूं कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इस बार क्या है जी, बाय रिटन डाउन, रिटन डाउन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, वैल्यू मेथड आपका यहाँ पे है ना, रिटन डाउन, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, WDV। तो आज जरा मैं आपको दिखाऊं ये क्या बोलता है, लिखो मेरे साथ, मेरे बच्चे जरा बताना कि आपका जो कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना था, आप जरा बताओ मशीन की कॉस्ट हमारी कितनी थी, सर 1 लाख, लिखो ना यहाँ पे 1 लाख रुपए मशीन का कॉस्ट था। मेरे बच्चे जब आपने इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन आपका फर्स्ट ईयर का, पहले वर्ष का, जरा बताओ क्या रेट बता रहा है, सर रेट 10% है। तो और मेथड क्या है, WDV, पहले साल में कोई दिक्कत नहीं, पहले साल में वैल्यू क्या दिख रहा है, 1 लाख ना, तो आपको 1 लाख रुपीज का ही 10% आपको चार्ज करना है, यानी कि 10,000 का अमाउंट आपका, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ। आप बताओ इस 10,000 को चार्ज करने के बाद वैल्यू कितना बच गया, 90,000। मेरे बच्चे इस 90,000 को हम कहते हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू है ना, मैंने कहा था ना आपका बुक वैल्यू आपका यहाँ पे, ये बुक वैल्यू निकल के आ गया ऑफ मशीन, ठीक है, बात समझ में आ गई सर, हाँ सर हाँ। अब देखो पहले साल में तो ठीक रहा, अब मैं आपको दिखाता हूँ जब सेकेंड ईयर में, जब आप सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, कहता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन मतलब जो वैल्यू आपने राइट डाउन किया है, राइट डाउन किया है, जरा बताओ 1 लाख रुपए में इस 10,000 को पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वो वैल्यू कितना है जो राइट डाउन किया है, मतलब अब दिखा रहे हो बुक में, बुक में अब कितना दिखा रहे हो, 90,000। मेरे बच्चे इस मेथड में सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो 90,000 पे चार्ज किया जाएगा। रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जो बुक वैल्यू बच गया ना बच्चे उस पे चार्ज करते हैं, रेट कितना है जी, 10% आपका, यानी कि इस बार क्या होगा, 9,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फर्क समझ लो, एसएलएम जो था उसमें हमेशा कॉस्ट पे चार्ज किया, और इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू बच गया, अरे हाँ मैं बताना भूल गया, हम बुक वैल्यू को यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू का ये भी दूसरा नाम होता है, WDV आपका रिटन डाउन वैल्यू, जो वैल्यू राइट डाउन किया तभी इस मेथड को कहते हैं कि जो वैल्यू बच गया उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो याद रखना जैसे पिछले वाले मेथड में जो बुक वैल्यू जहां लिखा था हमने, हम वहां भी ब्रैकेट बोल सकते हैं कि वो WDV आपका रिटन ऑन वैल्यू आपका, बट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हमेशा कॉस्ट पे। यहां पे क्या हो रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है किस पे जी, जो वैल्यू राइट डाउन किया मतलब बुक वैल्यू के ऊपर में आपका। अब बताओ वैल्यू कितना बच गया, 81,000। मैं इसको क्या बोल रहा हूं, या तो कह दो ये बुक वैल्यू है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो आप उनको बता देना कि भैया रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है आज तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की वैल्यू, कितना बच गया जी, 81,000। अगर हम थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं,
इस मेथड से डेप्रिसिएशन मेरे बच्चे थर्ड ईयर का, तो जो वैल्यू अब राइट डाउन किया है मतलब बुक वैल्यू उस पर चार्ज किया जाएगा, यानी कि इस बार डेप्रिसिएशन कितने पे निकाला जाएगा, 81,000 पे, 10%, बताओ कितना आ गया, 8100 रुपीज का अमाउंट। समझ लो मेरी बात ना, एसएलएम में हमेशा कॉस्ट पे चार्ज किया जाएगा, डब्ल्यूडीबी मेथड में क्या होता है कि जो वैल्यू बच गया हम उस पे चार्ज कर रहे हैं। अब ये कितना बच गया, 72,900, इसको हम क्या बोलेंगे, या तो बुक वैल्यू कह दीजिए जैसे हम पहले समझाए थे, या फिर इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग अकाउंट्स में सेम होता है आपका, है ना, ये आपका निकल के आया। अब जब डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं फोर्थ ईयर में, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आपका फोर्थ ईयर में, तो जरा बताओ इस बार कितने पे चार्ज होगा, सर 72,900 का, और इसका 10% कितना निकल के आ गया, तो 7290 मेरे बच्चे। अब जो वैल्यू बच गया जरा बताओ कितना बच गया यहाँ पे, 72,900 में अगर मैं यहाँ पे 7290 को माइनस करूँ तो 65,610 बच गया। हम इसे क्या बोलेंगे, आप कह दो बुक वैल्यू, आप कह दो बुक वैल्यू, या इसे कह दो रिटन डाउन वैल्यू। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई बाहर वाला पूछता है कि बुक वैल्यू का दूसरा नाम बताओ, तो कह देना रिटन डाउन वैल्यू, आपका रिटन डाउन वैल्यू ही मेरे बच्चे बुक वैल्यू का दूसरा नाम होता है। बात समझ रहे हो यहाँ पे, सर हाँ आगे बताओ, तो बस काम खत्म हो गया। मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड हैं, एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और एक आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मेरे बच्चे स्ट्रेट लाइन मेथड के जरा देखो क्या क्या नाम थे जी, स्ट्रेट लाइन कह देगा, ओरिजिनल कॉस्ट कह देगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कह देगा, उसी तरीके से इसके भी कई सारे नाम हैं। यहाँ देखो जरा इसका ऑब्लिक में, ये था ना ओरिजिनल कॉस्ट, यहां कहते हैं हम यहां पे आपका डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, मैं इसको इस नाम से पुकार सकता हूं, मतलब रिटन डाउन को इससे डिमिनिशिंग वैल्यू, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमेशा डिमिनिश यानी कि कम होगी। पहले 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 81 हुआ, फिर आपका कितना था जी 7290 हुआ, फिर इसका मतलब ये कम होते चला जाएगा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में क्या था, बिल्कुल सेम था, यहाँ क्या होगा डेप्रिसिएशन हर एक वर्ष कम होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। तो मेरे बच्चे या तो रिटन डाउन वैल्यू कह दो, या डिमिनिशिंग कह दो, या फिर एक नाम अगर और आपको देना है तो हम इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप परेशान मत होना, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मतलब जहां पे डेप्रिसिएशन का जो इंस्टॉलमेंट यानी कि अमाउंट है वो रिड्यूस होते रहेगा, पहले ज्यादा फिर कम और सो ऑन। आपका आई बात समझ में, सर हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये सारी बातें होती है। सर क्या इसमें कोई अकाउंट नहीं बनता, बनता है मेरे बच्चे, मैं अकाउंट बनाना भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली काम कैसे चलता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, अभी तक मैंने सिर्फ इतना समझाया है कि डेप्रिसिएशन जो होता है इट इज चार्ज ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स, ऑन इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू ड्यूरिंग इट्स डेप्रिशिएबल लाइफ। फिर डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होते हैं, तो कहना सारे फिक्स्ड डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं बस लैंड को छोड़ के, और लैंड में भी कौन सा जी फ्री होल्ड आपका। मेरे बच्चे हमने कहा डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होता है, तो एसेट्स की जो कॉस्ट है अगर उस क्वेश्चन में उसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है तो उसको माइनस करने के बाद डेप्रिशिएबल वैल्यू होता है। और डेप्रिशिएबल लाइफ का मतलब वो एस्टिमेटेड लाइफ, वो कितने वर्ष तक काम करेगा उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल लाइफ। हमने कहा कि अगर क्वेश्चन में एसेट्स की कॉस्ट आपको दिया रहे, आपको रेट ऑफ माफ कीजिए आपका स्क्रैप वैल्यू दिया रहे, आपको लाइफ ऑफ एसेट्स दिया रहे, तब तो आपने क्या किया जैसे पहले निकाला था उस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल देना। जब भी क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमारे लेवल में, हम छोटे बच्चे हैं, दो मेथड होता है एसएलएम डब्ल्यूडीबी। एसएलएम में क्या करेंगे जी कि जो आपके एसेट्स की कॉस्ट होगी हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डब्ल्यूडीबी में क्या होगा जो वैल्यू बच जाएगा हम उस पर चार्ज करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात है आज मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा आज आपको नहीं पढ़ाना क्योंकि आप प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं आपको ज़्यादा पढ़ाने से दिमाग खराब ना हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ क्यों ना एक और क्वेश्चन में बना के यहाँ पे आपको दिखाऊं। और इस बार आपने पूछा था ना कि क्या सर यहाँ पे अकाउंट नहीं बनता, तो मैं आपको अकाउंट बनाना भी सिखा देता हूँ। लेजर अकाउंट आप जानते तो हो मेरे बच्चे, तो मैं आपको यहाँ पे
समझाता हूँ कि क्या निकल के आता है। आप लिखो ना मेरे साथ, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखोगे, दो एग्जांपल हो चुके हैं आज की क्लास में, थर्ड एग्जांपल आपका, थर्ड एग्जांपल लिखे आप यहाँ पे। कहता है कि आपका ऑन 1 जनवरी 2000, क्या ले लूँ मैं, चलो 2019 ले लो आप, कुछ भी हो सकता है, क्या जाता है, लिखना है फर्म परचेज्ड, फर्म ने परचेज किया, परचेज्ड अ मशीन फॉर रुपीज 10 लैक्स, 10 लाख रुपए का मशीन परचेज किया मेरे बच्चे, 10 लैक्स का मशीन। फिर कहता है यहाँ पे जो आपका CGST है, CGST एंड SGST वो कहता है एट द रेट ऑफ 9% ईच। अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं पहले, कि मैं ये मान रहा हूं कि आपने इसके पहले मेरा GST का चैप्टर पढ़ा हुआ है मेरे बच्चे, इसका डिटेल डिस्कशन मैंने वहां पे किया हुआ है, आप वहां पे दोबारा पढ़ लें, कुछ बातें अगर आज समझ में नहीं आए तो, बट ऐसा होगा नहीं, मैं सारी बातें यहां पर रिपीट भी करूंगा, लेकिन ध्यान रखना यहां पर मैं उन कॉन्सेप्ट को भी यहां पर ऐड करते चलूंगा। तो आपने एक 10 लाख का मशीन परचेज किया और उसके बाद आपको क्या हुआ, ये परचेज मशीन 4 रुपीज़ जितना GST और SGST आपका 9% ईच आपका यहाँ पे है अलग से। मैं काम करूँ क्या, परचेज मशीन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर कहता आपका यहाँ पे प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 वर्षों का आपको यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाना है। कहता है कि इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, या फिर इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम बाय SLM मेथड। मेरे बच्चे SLM स्ट्रेट लाइन, यानी कि आपको याद होगा SLM में क्या बोला था कि आपके जो आपके एसेट्स की कॉस्ट होगी हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो SLM मेथड आपका। और फिर आपका यहाँ पे कहता है कि ऑल्सो पास जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीन। आपने जो मशीन परचेज किया मेरे बच्चे, उसका कहता है कि एंट्री भी पास करो। मतलब हमने यहाँ पे दो बात बोला है क्वेश्चन के अंदर में, कि जब हमने परचेज की हमें क्या करना है जी, एंट्री पास करना है, और हमें मशीन अकाउंट जो बनाना है, लेजर अकाउंट, ये अकाउंट पूछ रहा है मेरे बच्चे, वो 3 वर्षों का बना रहा है, मैं सब सिखाऊंगा आपको, बड़ा अच्छा लगेगा। आप जरा देखता हूँ ये कैसे काम होगा। सुनो, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूँ जर्नल एंट्री क्या पास किया गया होगा ऑन आपका 1 जनवरी 2019, इस दिन मेरे बच्चे जब हमने मशीन परचेज किया। पता है जब मशीन परचेज करोगे तो एंट्री होता है मशीन अकाउंट डेबिटेड। मैंने आपको बोला हुआ है कि मशीन की जो रिकॉर्डिंग होगी ये हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस से होगी। जरा बताओ मशीन की कॉस्ट कितनी है, 10 लैक्स। ये 10 लाख रुपए आपने क्या किया जी, मशीन को रिकॉर्ड किया। इस पे जो आप GST पे करते हो मेरे बच्चे, वो आप यहाँ रिकॉर्ड करते हो इनपुट, क्योंकि हम आगे जाके इसका एडजस्टमेंट करा लेते हैं। इनपुट आपका CGST अकाउंट डेबिटेड, और फिर आपका इनपुट ये आपका हो गया SGST अकाउंट डेबिटेड। तो जरा बताओ कितना हो गया, 9% ईच कह रहा है, तो 10 लैक्स का 9% यानी कि 90,000, और यहाँ भी कितना हो गया जी, 90,000, ये आपका हो गया मशीन अकाउंट डेबिट आपका। मशीन में याद रखना, जब भी आप मशीन को रिकॉर्ड करेंगे तो मशीन के लिए जो पेमेंट किया वही उसकी कॉस्ट मानी जाएंगी। ये जो CGST और SGST है वो तो आपका वो टैक्स है जो बाद में हम सेटअप करा लेते हैं, तो ये हमारे एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। और टू बैंक अकाउंट, यानी कि टोटल हमने कितना पे कर दिया आपका यहाँ पे, 11,80,000, 11,80,000 रुपये का अमाउंट। ये एंट्री मैं आपको समझा चुका हूँ GST चैप्टर के अंदर में।
आप जो जीएसटी पे करते हो मेरे बच्चे, जो आप जीएसटी पे करते हो वो कभी भी आपके सेट्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। ये जीएसटी हम आगे आउटपुट जीएसटी से सेटअप करा लेते हैं, इसलिए हमारे एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। हमने एसेट्स कितने का दिखाया, 10 लाख रुपये का, लो हमने एंट्री पास कर दिया। अब वो कहता है कि आप मशीन अकाउंट बनाओ, मशीन अकाउंट। तो देखो ना, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आइए जरा आप बनाते हैं मशीन अकाउंट। यहाँ लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट आप बनाएंगे। मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट दोनों का मीनिंग सेम है मेरे बच्चे। ये लेजर अकाउंट बना रहे हैं, हमने लेजर अकाउंट ऑलरेडी बहुत प्रॉपर तरीके से सीखा हुआ है। लेजर के अंदर में मैंने सारी बातें आपको सिखाई हुई हैं, तो उसी को हम बना रहे हैं। आप रजिस्टर का लगभग आधा पेज लेना, और ये लीजिए हमने प्रॉपर फॉर्मेट में भी काम करना शुरू कर दिया यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर डेट कॉलम कहते हैं, ये हमारा पर्टिकुलर्स होता है, पर्टिकुलर्स आपका होता है। ये हमारा अमाउंट कॉलम है, दिस इज आवर अमाउंट कॉलम। यहाँ पे सॉरी फिर से मेरे बच्चे, डेट कॉलम, ये हमारा पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स, और ये हमारा अमाउंट कॉलम है ना। चलो मैं आपके लिए, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे, मैं इसको सजा भी देता हूँ। ये हमारा इस तरीके से हो गया। और आप जानते हो ना कि किसी भी अकाउंट का ये जो होता है, दिस इज डी आर, मतलब डेबिट साइड, और ये जो हमारा होता है, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा लेजर अकाउंट बनाने का, ना मैंने पहले आपको बताया भी है, जो बकवास सा है, जहां बच्चे परेशान होते हैं। मैं वो तरीका बताऊंगा जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा, मतलब जो हम जानते हैं मेरे बच्चे। वो क्या जानते हैं, सुनिए मेरी बात। ये जो मशीन है ना बच्चे, ये हमारा एसेट्स है, आप इस बात को जानते हैं। मशीन क्या है, आपका एसेट्स है। और जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, उनका इंक्रीज होना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। याद कीजिए, मैंने बताया है मेरे बच्चे, सारे एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, सारे एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट में आपका होता है। जिसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है, उसका इंक्रीज करना हम डेबिट करते हैं, और डिक्रीज करना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब मशीन जब भी बढ़ेगा तो डेबिट करूंगा, घटेगा तो क्रेडिट करूंगा, यही बताया ना मैंने। सर हाँ, सर हाँ, अब सुनो मैं क्या करूंगा। ये देखो, हमने मशीन परचेज किया, आप बताओ मशीन परचेज करने से मशीन आपके पास फर्म में बढ़ गया कि कम हो गया? सर इंक्रीज कर गया। तो मेरे बच्चे मशीन के इस साइड में एंट्री आएगा। और ये कब मशीन परचेज किया था, 1 जनवरी को, लिखो ना डेट में, 1 जनवरी 2019, इस दिन पे हमने मशीन परचेज किया। नजर डालो यहाँ, नजर 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 यहाँ देखो, जब हम मशीन अकाउंट बनाते हैं ना मेरे बच्चे, अगर ये डेबिट में है, अगर ये डेबिट में है, तो फिर आपका पोस्टिंग डेबिट में आएगा। और नाम हमेशा लिखते हैं अपोजिट वाले का, तो मशीन में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। मशीन में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ये आ गया टू बैंक अकाउंट आपका, टू बैंक अकाउंट। और ध्यान रखना हमेशा मेरे बच्चे, मानता हूं कि जब मशीन अकाउंट बनाऊंगा तो नाम नीचे वाले का आएगा, लेकिन जो अमाउंट होता है ना, वो जिस अकाउंट को बनाते हैं उसी के आगे का अमाउंट लिखा जाता है, यानी कि 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। ये बकवास तरीका है मशीन अकाउंट बनाने का। मैं आपको कसम खा के बोलता हूँ कि थोड़ा सा आगे चैप्टर को बढ़ने दो ना, थोड़े से कॉन्सेप्ट को आगे और बढ़ने दो ना, मैं आपको ऐसे जनरल एंट्री देख के नहीं कराने वाला। मैं तो फटाफट तरीका बताऊँगा कि ऐसे डेप्रिसिएशन अकाउंट या कोई भी अकाउंट आप बनाओ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा मशीन अकाउंट था मेरे बच्चे। मैं ऐसे नहीं करता, मैं पता क्या बोलता हूँ, मशीन हमारा बढ़ गया तो इस साइड एंट्री आएगा। हमने जो मशीन परचेज किया, पेमेंट कैसे किया, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट, और मशीन कितने का लिया, 10 लाख का, तो एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। खैर आप छोटे बच्चे अब ऐसे समझिए, मशीन में क्या बोला, टू बैंक अकाउंट और अमाउंट उसके आगे का, ये रिकॉर्ड हो गया मेरे बच्चे। ये हमने क्या किया, मशीन परचेज कर लिया। एक काम करूँ क्या, ये लो आपको मैं दिखाता हूँ एक आपका डायग्राम, आप ही बना लो जहाँ भी जगह आपके पास होगा। बताओ मशीन कब परचेज किया था, 1 जनवरी 2019 को, यहाँ मेरे बच्चे आपने मशीन परचेज किया था। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो जरा बताओ इसका पहला साल कब खत्म हो, कितने साल का पूछ रहा है, 3 इयर्स का, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और ये रहा आपका थर्ड ईयर, 3 साल तक का। बताओ फर्स्ट ईयर का एंड कब होगा, ये एंड होगा 31 दिसंबर 2019 को। सेकंड ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2020 को, और तीसरा साल एंड होगा 31 दिसंबर 2021 को। ये 3 साल की कहानी है मेरे बच्चे, 3 साल का नहीं, सुनो ना, देखो तो मेरी बात। आज हमने क्या किया, मशीन को परचेज कर लिया, तो मशीन को परचेज करने की एंट्री हमने यहाँ पे दिखा दी।
अब समय आगे चला और चलते 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 एक साल गुजर गया। जब एक साल गुजर गया तो आपने क्या करना है, मशीन को एक साल आपने यूज कर लिया मेरे बच्चों, उस एक साल का आपको यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। मशीन आपने एक साल यूज कर लिया तो एक साल जितना यूज किया उतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। आओ ना, मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूं, सिर्फ इतना बताओ, मशीन को अगर मैं डेप्रिशिएट कर दूंगा, अगर मैंने मशीन को डेप्रिशिएट कर दिया तो बताओ मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अगर मैं मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से मशीन की वैल्यू बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे दिखाया जो था मशीन 1 लाख का था, 10,000 डेप्रिशिएट हुआ तो 90 का बच गया, कम हो जाएगा ना, और मशीन का कम होना हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो साल के एंड में यानी कि 31 दिसंबर 2019 को मेरे बच्चे, है ना, इसका एंड आप यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, मशीन की वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, डेप्रिशिएट हो गया, बाय डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिशिएट हो गया जी, तो कहता है कि 20% के हिसाब से बताओ, 10 लाख का 20% कितना होता है, 2 लाख का अमाउंट, 2 लाख रुपए से मशीन डेप्रिशिएट हो गया। समझ रहे हो ना, मशीन एसेट से बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट करेंगे, तो मशीन 10 लाख का परचेज किया डेबिट किया, 2 लाख का डेप्रिशिएट हो गया। बताओ 2 लाख से वैल्यू कम होने के बाद 31 दिसंबर 2019 को मशीन की वैल्यू कितनी बच गई, बाय बैलेंस सीडी। साल का एंड हो गया, मैं उसको क्लोज कर रहा हूं, तो 10 में 2 लाख यूज कर लिया, कितना बच गया मेरे बच्चे, 8 लाख का अमाउंट आपका, लो 8 लाख का, और ये हमारा पहला साल एंड हो गया। इट्स वेरी सिंपल, अकाउंट्स बनाना तो मुझे बच्चे का खेल लगता है, ये तो मेरा 1 साल का बच्चा वो भी बनाते रहता है। ये 10 लाख का अमाउंट आपका यहाँ चला गया और 10 लाख यहाँ पे अकाउंट्स आपका क्लोज हो गया, पहले साल का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। आप समझो मेरी बात ना, फर्स्ट ईयर का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया मेरे बच्चे, 10 लाख का मशीन 2 लाख से डेप्रिशिएट हो गया, 8 लाख का बच गया। अब हम सेकेंड ईयर में आते हैं, जो इसका क्लोजिंग है वो अगले साल का, यानी कि 1 जनवरी 2020 में ये आपका ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड होगा, टू बैलेंस बीडी। आप जानते तो हो जो पिछले साल का एंड का बैलेंस है वो अगले साल का स्टार्टिंग बैलेंस बन जाता है, 10 लाख का अमाउंट, 8 लाख का अमाउंट, सॉरी आपका 8 लाख का। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो अगले साल क्या हुआ, फिर समय आगे चला, चलते चलते एक साल और गुजर गया मेरे बच्चे, फिर से आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपके एसेट्स की वैल्यू गिरेगी। तो आपने क्या किया, अगले साल यानी कि 31 दिसंबर 2020 को हम लोग क्या करेंगे, विल राइट बाय डेप्रिसिएशन। फिर से हमने क्या किया, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपका, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना जी, मेथड क्या है, एसएलएम आपका कहाँ गया, स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कॉस्ट पे, यानी कि सेकेंड ईयर में मेरे बच्चे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो अगेन आपका इस 10 लाख रुपीज का कितना परसेंट जी, आपका 20% मेरे बच्चे, हमेशा आपको कॉस्ट पे ही चार्ज करना, यानी कि अगेन 2 लाख का अमाउंट यहाँ निकल के आया। देख रहे हो, पहले साल भी दूसरे साल भी। फिर इस साल का एंड हो गया 31 दिसंबर आपका 2020, आपने लिखा यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन, सीडी मतलब जितना कैरी किया जी, 8 में से 2 लाख डेप्रिशिएट हो गया, तो अब उसकी बुक वैल्यू कितनी बच गई, 6 लाख का अमाउंट, और ये दूसरा साल भी हमारा ख़त्म हो गया। ये लीजिए 8 लाख यहाँ भी दिख रहा है और 8 लाख, ये तो टोटलिंग है कि दोनों साइड का टोटलिंग बराबर आना चाहिए आपका, ठीक है ना। तीसरे साल में आ जाओ, तीसरे साल में 1 जनवरी आपका 2021, यहाँ पे आपका एसेट्स का 2 बैलेंस बीडी मेरे बच्चे। ये दुनिया का दस्तूर है मेरे बच्चे, कि जो पिछले साल का एंड का बैलेंस होगा वो अगले साल के स्टार्टिंग का बैलेंस होगा। अगर कल रात को आपके पापा ने आपके गाल पे एक थप्पड़ मारा था और 5 अगर यहाँ पे अंगुलियों के दाग अगर थे, तो अगले साल के मतलब अगले दिन के सुबह में उठोगे तो 5 ही अंगुलियों के दाग आपको दिखाई देंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम करना, आज रात को पापा को बोलना कि पापा जोर से तमच्चा मुझे मारो, और देखना कल सुबह में उतने ही दाग आपको दिखाई देंगे। पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग बनेगा ही बनेगा, वही आपका निकल के आता है यहाँ पे। सर मारने पीटने की बात क्यों करते हो, क्योंकि उसी से बातें आपको समझ में आती है, उसी से बातें। आगे बढ़ो, 21 चला अगले साल, और देखो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो 31 दिसंबर 2021 को आप यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन,
आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और मेरे बच्चे फिर से क्योंकि एसएलएम है, एसएलएम में जब भी चार्ज करूंगा तो कॉस्ट पे तो चार्ज करूंगा, तो ये 10 लाख रुपीज का फिर से 20% चार्ज किया, कितना हो गया 2 लाख का अमाउंट आपका, 2 लाख रुपए। बताओ जरा यहाँ पे, अब बाई बैलेंस सीडी मतलब 31 दिसंबर 2021 को डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बाई बैलेंस सीडी कितना बच गया, तो 6 में 2 डेप्रिशिएट हो गया, यानी कि 4 लाख का अमाउंट, 4 लाख का अमाउंट मेरे बच्चे, यानी कि ये आपका यहाँ पे बराबर हो गया। ऐसे कहानी चलते चली जाएंगी, और ये डेप्रिसिएशन तब तक चार्ज किया जाएगा जब तक कि एसेट फुली आपका डेप्रिशिएट ना हो जाए। यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ 3 साल की बात कर रहा था, 3 साल का चार्ज किया, वो चौथे 5वें साल का बोलता तो उसका भी चार्ज कर देता मेरे बच्चे, लेकिन बोला नहीं। मैं काम करूँ क्या, 5 साल चार्ज कर दूँ क्या, कर दूँ क्या सर, कर दो आप, तो लो लो आपके खाते मेरे बच्चे 5वें साल तक दिखा देता हूँ क्या जाता है, समय बहुत है आपके पास भी मेरे पास भी, मशीन अकाउंट 4 लिख दो 5 ईयर्स क्वेश्चन के अंदर में, आओ ना करते हैं क्या जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस ही तो हो जाएगी। अगले साल यानी कि 1 जनवरी आपका 2022 अगले साल क्या होगा, ये कहानी 5 साल का बन जाएगा, 4-5, और फिर से बचे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की तो एंट्री करनी है। तो आप मुझे बताओ अगले साल के स्टार्टिंग में 2 बैलेंस बीडी आपका एसेट्स कितने का हो गया, 4 लाख का, 4 लाख अगले साल की स्टार्टिंग में, और इस साल के एंड में यानी कि 31 दिसंबर 2022 को आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे चार्ज किया कितना जी, तो अगेन मेरे बच्चे 10 लाख का 20% यानी कि 2 लाख का अमाउंट। ये जो ब्रैकेट में यहाँ लिखा था ना, एग्जाम में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, डेप्रिसिएशन दिखाना इंपॉर्टेंट आपका है। तो जरा बताओ अगर 4 लाख में 2 लाख डेप्रिशिएट हो गया तो बाई बैलेंस सीडी आपके एसेट्स की वैल्यू कितना बच गई, 2 लाख का अमाउंट। लो ये भी हमारा साल खत्म हो गया, यहाँ 4 लाख और यहाँ पे 4 लाख का अमाउंट, देख रहे हो आप, ये टोटलिंग है मेरे बच्चे दोनों साइड का, ये 4-4 हो गया। अब अंतिम वर्ष में आता हूँ 5वें साल में, तो 1 जनवरी 2023 आपका 23 है ना, इसका एंड, इसका स्टार्टिंग हो जाएगा 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी, और अमाउंट कितना आपका है, ये 2 लाख का अमाउंट आपका, 2 लाख रुपये का अमाउंट। 5वें साल में क्या करेंगे आप, यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 को आप लिखेंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन मेरे बच्चे 5वां वर्ष है, अंतिम वर्ष शायद, देखो ना क्योंकि 10 लाख का 20% निकाला तो इस साल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 2 लाख का अमाउंट। अरे ये क्या, जितनी वैल्यू थी सारी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, यानी कि अब मेरे बच्चे यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी जो है वो आपका नील हो जाएगा, मतलब अकाउंट्स क्लोज्ड हो गया और काम खत्म हो गया। अब आने वाले समय में हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे क्योंकि एसेट्स की कोई वैल्यू बची ही नहीं है जो डेप्रिशिएट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक वर्ष आप 2-2 लाख रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, रीजन मैं बता चुका हूँ, इनकम टैक्स अथॉरिटी यही बोलता है। तो ये हमने क्या किया, आपको एसएलएम से डेप्रिसिएशन चार्ज करना दिखाया 5 वर्षों का। मेरे बच्चे मैंने सिर्फ आपको एक एंट्री दिखाया स्टार्टिंग में कैसे किया जाएगा, अगली क्लास में क्या करूँगा, अगली क्लास में एक और सिंपल क्वेश्चन उठाऊंगा WDV मेथड से कैसे किया जाएगा, और मैं इस बार तो सिर्फ एक एंट्री दिखाया ना, अब उसमें हर एक साल की एंट्री दिखाऊंगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या एंट्री होगा, बहुत मजा आने वाला है। और याद रखना अगली क्लास में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा, बाकी बच्चों को उतनी बातें जानने के लिए कम से कम अभी 8 से 10 साल वेट करना होगा मेरे बच्चे, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आपके लिए अगले ही क्लास वो इंपॉर्टेंट बनेगी इस बात को समझने के लिए। आज क्लास में यहीं पर रोकता हूं, आज क्लास यहीं रोकता हूं, अगली क्लास में आने का वेट करता हूं। अभी बुक के किसी क्वेश्चन को टच नहीं करना है, नहीं आपके दिमाग में कोई इफ और का सवाल आने देना है। मिलूंगा मेरे बच्चे अगली क्लास में, तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, थैंक यू बच्चों।